नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नवादा पुलिस महकमा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है निकलकर। खबर यह है कि 3 थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गाज गिरी है। तीनों थानाध्यक्ष निलंबित कर दिए गए हैं। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें जो शुरुआती प्रारंभिक जानकारी है उसमें यह है कि नरहट के थानाध्यक्ष सरफराज इमाम, काशीचक के थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा और रजौली के थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी, इसमें नरहट थानाध्यक्ष सरफराज इमाम और काशीचक थानाध्यक्ष जो हैं नवीन कुमार सिन्हा, ये दोनों सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन रजौली के थानाध्यक्ष जो हैं दरबारी चौधरी वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो जैसा कि जानते ही हैं कि रजौली थाना जो है सो नोटिफाइड ही है, SHO इंस्पेक्टर का पद है, तो रजौली थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी भी हैं। एक लंबे समय से रजौली में वो कार्यरत थे। अब इन लोगों का निलंबन क्यों हुआ, इसको लेकर के जब हमने नवादा के पुलिस अधीक्षक अमरीश राहुल जी से बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, ये 3 थानाध्यक्ष निलंबित किए गए हैं। और जब काउज पूछा गया तो बोले कि तीनों थानाध्यक्ष जो है सो अलग अलग कारणों से निलंबित हुए हैं। तो अब अलग अलग कारण क्या है ये तो डिटेल्स हमें नहीं मिला, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन तीनों थानाध्यक्षों के निलंबन की औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी है। तो लेकिन अब इन तीनों के जगह पे एक और बात आ रही कि पोस्टिंग किन की हुई है, तो इस पर उन्होंने बताया SP साहब ने कि अभी पोस्टिंग की गई नहीं, प्रक्रियाधीन है, जल्द ही सभी थानों में नए SHO की नियुक्ति कर दी जाएगी। मतलब साफ है कि तीनों थानाध्यक्ष निलंबित हो गए हैं और तीनों थानों में नए थानेदार मिलने तय हैं बहुत जल्द ही। और जो जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह तय कर लिया गया है कि किनको कहां भेजा जाना है, लेकिन चूंकि अभी कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, बाई इलेक्शन चल रहा है पंचायत निर्वाचन का, तो उसको लेकर जो है सो चुनाव आयोग वगैरह से अनुमति लेना पड़ता है, राज्य निर्वाचन आयोग वगैरह से, जो हमें समझ में बात आ रही है। इस हिसाब से वह ज़्यादा नहीं, मतलब अगले 1 से 2 दिन में, आज से कल तक कहीं ना कहीं नए थानाध्यक्ष इन तीनों थानों को मिल जाएंगे। अब समझते हैं कि पूरा मसला है क्या। शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसमें यह जानकारी मिल रही है कि कांडों के अनुसंधान में कहीं ना कहीं लैचेज, विधि व्यवस्था संधारण में लैचेज और इन सारे कारणों से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन एक्चुअल पुलिस के अंदर की जो बात है उसके तह में भी हम जाने का प्रयास कर रहे हैं यह क्लियर करने के लिए आखिरकार वजह है क्या। नरहट थानाध्यक्ष के बारे में तो विवाद बताया जा रहा है कि वो जो हाल फिलहाल जो आर्म्स की बरामदगी जदयू नेता के परिसर से हुई थी, तो वहाँ पे ये बात आ रही थी कि जदयू नेता का आरोप था कि थानाध्यक्ष ही गड़बड़ सड़बड़ करवा रहे हैं और उनके खिलाफ बालू और दारू का सिंडिकेट चलवाते हैं। उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को लिखित में रिटर्न में कंप्लेन दिया गया था 22 फरवरी को, जब मुख्यमंत्री नवादा में अपने प्रवास यात्रा पे समाधान यात्रा पे आए थे तो दिया गया था, और उस पर जांच वगैरह चल रहा था इंटरनल पुलिस महकमा में। खैर ये सब तो बातें हैं जो भी है, लेकिन कहेंगे सरफराज इमाम पर अगर इंडिविजुअल कार्रवाई होती तो बात समझ में आती कि वो आर्म से जुड़ा हुआ मामला या कंप्लेन का मामला है, लेकिन साथ में काशीचक के थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा भी पूर्व में नरहट में थानाध्यक्ष रह चुके हैं और रजौली के दरबारी चौधरी, अब ये सारे लोग के एक साथ हुआ है। यह भी बात आ रही है कि ये तो 3 थानाध्यक्ष हैं, इसके अलावा कुछ और भी रडार पर है या कार्रवाई हो चुकी है, कुछ सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो भी हैं SI वगैरह हैं। अब क्या है नहीं है इस पर जो है सो थोड़ा सा कुछ घंटे में आजकल में स्थिति स्पष्ट होगी, साफ होगी कितने लोगों पर कार्रवाई, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने ये 3 थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि कर दी है। हमारी बात हुई है डायरेक्ट SP साहब से और उन्होंने कहा कि हाँ, नरहट ही नहीं काशीचक और रजौली के थानाध्यक्ष निलंबित किए गए। तो दोस्तों, इस पूरे खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इसमें जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए एक अपील कर देते हैं कि अगर अब तक अपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।